Hello friends, in this video we are going to learn about a salient pole synchronous machine, and to explain the operation of salient pole synchronous machine, a theory which is known as two reaction theory. ठीक है, अब normal जो cylindrical rotor वाली alternator या तो synchronous machine होती है उसमें क्या होता है, what happens is that if this is a rotor and there is a stator around it in which there is armature, then the air gap around its periphery is uniform. It has a uniform air gap. ठीक है, तो cylindrical rotor alternator में क्या होता है कि जो air gap होता है वो uniform होता है. Whereas for salient pole synchronous machine, suppose if we consider just a two pole machine, then on the axis of the pole इधर अगर आप देखेंगे तो एयर गैप बहुत ही कम है, और ये एयर गैप के ये फील्ड के कंडक्टर्स है, और इधर आर्मेचर वाइंडिंग्स लगाए होंगे स्टेटर में, ये रोटर है. और इस वाले पोर्शन में अगर आप देखोगे तो एयर गैप बहुत ही ज्यादा है, द एयर गैप इज वेरी लार्ज इन द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द पोलर एक्सिस. दिस इज द पोलर एक्सिस ऑन विच देयर इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है, तो क्या होता है सेलियंट पोल रोटर में एयर गैप जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, सिलिंड्रिकल रोटर में यूनिफॉर्म एयर गैप होता है. ठीक है, नाउ रिलक्टेंस जो होता है जिसकी फॉर्मूला होती है S इज इक्वल टू L अपॉन म्यू ए. ठीक है, जो मैग्नेटिक रिलक्टेंस होता है वो एयर गैप के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एयर गैप की लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है. L इज द लेंथ ऑफ द एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब यहाँ पे क्या होगा कि एयर गैप यूनिफॉर्म है, मतलब हर साइड से एयर गैप की लेंथ सेम है, तो रिलक्टेंस रोटर की हर पोजिशन के लिए सेम होगा. रिलक्टेंस वुड बी सेम फॉर ऑल स्पेशल पोजिशन ऑफ द रोटर. स्पेस की बात है, दिस इज नॉट स्पेशल, इट इज स्पेशियल. ओके, एस पी ए टी आई ए. यहां पे क्या होगा सेलियंट पोल रोटर वाले मशीन में एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं है, सो बिकॉज ऑफ दैट रिएक्टेंस जो होता है वो चेंज होगा, रिलक्टेंस बदल जाएगा. यहां पर एयर गैप ज्यादा है तो उसके ऊपर से रिलक्टेंस बदल जाएगा, रिलक्टेंस बदल जाएगा तो रिएक्टेंस भी बदल जाएगा. इसमें क्या होगा, रिएक्टेंस होता है वो सेम रहता है हर रोटर पोजिशन के लिए, यहां पर अलग पोजिशन में रिएक्टेंस अलग होगा. सो इसमें एक ही एक्सिस की जियोमेट्री होती है जो कि पोल एक्सिस या तो डायरेक्ट एक्सिस होता है. सेलियंट पोल रोटर में दो एक्सिस होती है, जियोमेट्रिक सिमेट्रिक है. ठीक है, उस एक एक्सिस को हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सिस या तो पोलर एक्सिस, और दूसरी जो एक्सिस होगी वो डायरेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेचर एक्सिस या तो क्यू एक्सिस. ठीक है, तो अब इन दोनों एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटीज कैसे डिफरेंट होगी ये हम देखते हैं. ठीक है, पोल एक्सिस या डी एक्सिस या डायरेक्ट एक्सिस में क्या होगा, दो एमएमएक्स पिक्चर में आएंगे. ठीक है, यहां पर क्या होगा, जो फील्ड का एमएमएफ है ये भी एक्ट करेगा यहाँ के आर्मेचर कंडक्टर्स के ऊपर, यहाँ के आर्मेचर वाइंडिंग्स के ऊपर, और आर्मेचर में करंट फ्लो हो रहा है उसका भी एमएमएफ पिक्चर में आएगा. तो आर्मेचर एमएमएफ भी होगा और फील्ड एमएमएफ भी होगा. क्वाड्रेचर एक्सिस में क्या होगा, व्हाट हैपेंस इन द क्वाड्रेचर एक्सिस, यहाँ के आर्मेचर वाइंडिंग में फील्ड तो इस एक्सिस पर कुछ होता ही नहीं है, इधर फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, सो देयर इज ओनली आर्मेचर एमएमएफ हियर. ओके, सिर्फ आर्मेचर एमएमएफ होता है. ठीक है, अब इधर क्या होता है, एयर गैप जो है वो कम है, एज यू कैन ऑब्जर्व हियर इट इज अ वेरी लेस स्पेस. ओके, सो डायरेक्ट एक्सिस पर एयर गैप बहुत कम होता है, एयर गैप इज स्मॉल, और यहां पर एयर गैप बहुत ज्यादा है, एयर गैप इज लार्ज. ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दिस ग्रेटर लेंथ ऑफ एयर गैप रिलक्टेंस में चेंज आ जाएगा. रिलक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. ओके, सो एयर गैप लार्ज है वहां पर रिलक्टेंस हाई हो जाएगा, एयर गैप स्मॉल है वहां पर रिलक्टेंस भी स्मॉल रहेगा या तो लो रहेगा. तो डायरेक्ट एक्सिस पर रिलक्टेंस कम होगा, क्वाड्रेचर एक्सिस पर यहां पर रिलक्टेंस ज्यादा होगा. अब
रिएक्टेंस की बात करें देन रिएक्टेंस x इज डिफाइंड एज x इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, एल इज द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की फॉर्मूला क्या है, म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल। तो रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंडक्टेंस के ऊपर और इंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं एल अपॉन म्यू ए है रिलक्टेंस और इंडक्टेंस जो है वो म्यू ए अपॉन एल के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों रिवर्स हो जाते हैं। तो क्या होगा, जहां पर रिलक्टेंस लो है वहां पर रिएक्टेंस हाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सिस पर एयर गैप कम है तो रिलक्टेंस कम है तो रिएक्टेंस ज्यादा आएगा, और यहां वाले आर्मेचर वाइंडिंग के लिए रिएक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। जो आर्मेचर का रिएक्टेंस है वो रोटर की कंस्ट्रक्शन की वजह से यहां पर ज्यादा हो जाएगा। अब ये रोटेटिंग मशीन है इसलिए जो रोटर है वो तो कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है, फील्ड वाइंडिंग रोटेट करती रहती है, तो आर्मेचर का जो रिएक्टेंस है वो रोटर की पोजीशन के हिसाब से वेरी होता जाएगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट एक्सिस पर जो मिलता है उस रिएक्टेंस को डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस कह देते हैं एक्स डी, और क्वाड्रेचर एक्सिस पर जो रिएक्टेंस मिलता है उसे एक्स क्यू कह देते हैं, तो टू रिएक्शन थियोरी का यही बेसिस हो जाता है कि हम रिएक्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डायरेक्ट एक्सिस वाला रिएक्टेंस और एक क्वाड्रेचर एक्सिस वाला रिएक्टेंस, दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है इसलिए। तो डायरेक्ट एक्सिस का रिएक्टेंस ज्यादा होगा, क्वाड्रेचर एक्सिस का रिएक्टेंस कम होगा। अब इससे मशीन का ऑपरेशन थोड़ा हो जाएगा चेंज। ये एक इक्विवेलेंट सर्किट है, E0 इज द नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर वाइंडिंग, V इज द टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो हम जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है उसको दो पार्ट में डिवाइडेड है ऐसा एज्यूम करते हैं और उसी को कहते हैं टू रिएक्शन थियरी, एक्स बी और एक्स क्यू। और हम क्या करते हैं, जो आर्मेचर करंट है आई ए उसे भी एज्यूम करते हैं कि उसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सिस करंट और एक क्वाड्रेचर एक्सिस करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस। और आर्मेचर रेजिस्टेंस में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो पोजीशन के हिसाब से चेंज नहीं होगा तो वो एक ही रहेगा। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस वी विल बी ड्रॉइंग अ फेजर डायग्राम। हॉरिजॉन्टल पर हम नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ ई को ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो ई जीरो को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नो लोड इंड्यूस ईएमएफ ई जीरो। यह है टर्मिनल वोल्टेज वी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है जिसे हम पावर एंगल कहते हैं, और अगर हम सिंक्रोनस जनरेटर को अल्टरनेटर कहते हैं तो सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसमें इस पावर एंगल को हम लोड एंगल बोलेंगे, वो हम फ्यूचर में लर्न करने वाले ही है। अभी के लिए इतना याद रखें कि नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में जो एंगल होता है उसे पावर एंगल डेल्टा कहते हैं। ठीक है, अब हम एज्यूम करेंगे कि एक लैगिंग लोड के ऊपर ऑपरेट करता हुआ अल्टरनेटर है, सो दिस इज अवर आर्मेचर करंट आई ए। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज दैट एज पर द टू रिएक्शन थियरी we can resolve this armature current into two components corresponding to direct axis current and quadrature axis current with respect to direct axis reactance and quadrature axis reactance. ये हो गया आई
डी, और ये हो गया आई क्यू। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है वो पावर फैक्टर एंगल हो गया फाई। ठीक है, नाउ इन दिस फेजर डायग्राम आई डी, ठीक है, वो हो गया डायरेक्ट एक्सिस करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर्मेचर करंट आई ए, और आई क्यू है क्वाड्रेचर एक्सिस करंट। अब जो ड्रॉप्स होंगे, जैसे कि रेजिस्टिव ड्रॉप है, वो हम टर्मिनल वोल्टेज से अगर ड्रॉ करें, एंड इट वुड बी इन फेज विद द करंट, सो करंट के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इट इज अ वेरी स्मॉल ड्रॉप, दिस इज आई ए आर ए, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से जो ड्रॉप होता है वो इधर हम ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ वी विल बी ड्रॉइंग दी रिएक्टिव ड्रॉप्स। अब जो रिएक्टिव ड्रॉप होते हैं वो रेजिस्टिव ड्रॉप से करंट से 90 डिग्री पर होते हैं, तो डायरेक्ट और क्वाड्रेचर एक्सिस में अगर हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो सपोज ये पूरा हो गया हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस का ड्रॉप। ठीक है, तो दोनों को हम अगर डिवाइड करेंगे तो एक ड्रॉप होगा जो ईएमएफ से 90 डिग्री होगा, और दूसरा ड्रॉप होगा वो ईएमएफ के साथ फेज में होगा। सो दिस इज द ड्रॉप कॉरेस्पॉन्डिंग टू डायरेक्ट एक्सिस करंट। अब डायरेक्ट एक्सिस से 90 डिग्री पर है, क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव ड्रॉप है एक्स डी। ओके, रेजिस्टिव ड्रॉप होता है वो करंट के फेज में होता है, रिएक्टिव ड्रॉप होता है उससे 90 डिग्री पर होता है, तो ये रिएक्टिव ड्रॉप है तो डायरेक्ट एक्सिस जिस लाइन में होगे उससे 90 डिग्री पर आएगा। इन द सेम वे क्वाड्रेचर एक्सिस करंट अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, तो यहां से क्वाड्रेचर एक्सिस का ड्रॉप आई क्यू एक्स क्यू आई क्यू के साथ 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो पूरा ड्रॉप जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई जीरो है, फिर उसमें से ड्रॉप हो गए आई क्यू एक्स क्यू, फिर ड्रॉप होगा आई डी एक्स डी, फिर ड्रॉप होगा आई ए आर ए, और फिर मिलेगा हमें टर्मिनल वोल्टेज। सो दिस इज द टोटल ड्रॉप, ये पूरा का पूरा हमारा इंपीडेंस ड्रॉप हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। सो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर अ सेलियंट पोल सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, अब इस फेजर डायग्राम के ऊपर से हम इक्वेशन भी लिख पाएंगे। वी कैन राइट ई जीरो इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए प्लस जे एक्स डी आई डी प्लस जे एक्स क्यू आई क्यू। ठीक है, एंड वी कैन राइट दैट आई ए इज इक्वल टू आई डी प्लस आई क्यू। ओके, इफ वी निग्लेक्ट आर ए, सपोज आर ए इज वेरी वेरी लेस देन एक्स एस, देन वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज ई जीरो इज इक्वल टू वी प्लस जे आई डी एक्स डी प्लस जे आई क्यू एक्स क्यू। ठीक है, और टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ पावर फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम वी कैन ड्रॉ अ मॉडिफाइड फेजर डायग्राम व्हाइल निग्लेक्टिंग द ड्रॉप आई ए आर ए। सपोज दिस इज ई जीरो टर्मिनल वोल्टेज, सॉरी ई जीरो नो लोड ई एम एफ, एंड दिस इज वी टर्मिनल वोल्टेज पावर एंगल डेल्टा, एंड वी हैव आई एंगल फाई। ओके, नाउ वी आर निग्लेक्टिंग द ड्रॉप्स, सो रेजिस्टिव ड्रॉप हमने निग्लेक्ट कर दिया, सो नाउ व्हाट वी हैव हियर इज डायरेक्टली वी विल बी ड्रॉइंग फ्रॉम दिस पॉइंट द डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस ड्रॉप्स।
This is IQ XQ drop. This is ID XD drop. We have just neglected IARA drop, which is in green here. Okay. Now from this phasor diagram, we will be using trigonometry to derive the equation of power. Okay. Now just keep in mind that this entire angle that is known as psi. Okay. It is called psi is equal to phi plus delta. It is called the internal power factor angle of an alternator, because it is the angle between the armature current and the induced EMF inside the salient pole alternator. Okay. The power factor angle of load is phi because it is the angle between terminal voltage and armature current. Terminal voltage or armature current के बीच में जो voltage load के ऊपर apply होते हैं, उन दोनों के बीच में जो angle है, उसे हम load का power factor angle कहते हैं। Generator E0 generate कर रहा है, तो alternator का या तो generator का internal power factor angle कौन सा हो जाएगा? No load induced EMF, जो कि EMF induced होते हैं generator के अंदर, उस EMF के और armature current के बीच में जो angle है, उसे internal power factor angle psi ठीक है. Now from this phasor diagram we can write, we know that equation of power for a single phase circuit is VIA cos phi. तो इस equation से हमें per phase power मिल जाएगा. ठीक है. Now we want IA cos phi, as we have derived the equation of power earlier for a general cylindrical synchronous machine in the previous video. Now from this phasor diagram, what we can write is that IQ XQ is equal to, if you can see, this is the vertical component of V. So we can write this is V sine delta. ठीक है. And in the same way, this is the IDXD. So I can write IDXD is equal to, this entire length is E0. इसमें से अगर इतना निकालते हैं, अब ये क्या है? V cos delta है. I can write this as V cos delta. The entire length is E0. So this IDXD is equal to E0 minus V cos delta. So IDXD is E0 minus V cos delta. Fine. These are the two equations. Okay. Now from this equation, we can also write that ID. Okay. ID होगा यहां पर. ठीक है. This is direct axis और यहां पर होगा IQ. So ID is equal to IA sin phi plus delta और IA sin psi. And in the same way IQ is IA cos phi plus delta और IA sin phi. ठीक है. Now this derivation involves a certain complex trigonometry. इन दोनों की वैल्यू को, ID और IQ की वैल्यू को इस दोनों इक्वेशन में जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे और उसे IA cos phi के लिए जब हम सॉल्व करेंगे, then we get IA cos phi is equal to E0 upon XD sine delta plus V upon 2XQ sine 2 delta minus V upon 2XD sine 2 delta. इसी इक्वेशन से ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज करके ये इक्वेशन डिराइव होता है
and not going into much of the detailed derivations because we are not learning mathematics here. We have to learn electrical engineering. We are learning the concepts of alternator. So you can try deriving yourself, okay, if you are powerful at maths. If you are not powerful at maths, no need to go for the derivation. You can just remember this because the derivation is not important. The end result and the end conclusion is important. Now, if we substitute this value of Ia cos phi in this equation, then we get power is equal to V. We'll get multiplied with all these terms. So we have V E0 upon XB sine delta plus. Now, if you observe here, I can take this V sine 2 delta common. V sine 2 delta common and divided by 2. Okay, that can also be taken as common outside. Now, we are multiplying V. Okay, so we have here V square. We are multiplying this Ia cos phi, this entire equation with V in the equation of power. Okay, so this both terms will have V square. So V square sine 2 delta. So what remains in the bracket is 1 upon x cube minus 1 upon x d. Okay, so now here if you compare this equation with the equation of power for a general machine which we derived earlier, P is equal to E0 V sine delta upon x or xs, synchronous reactance. Okay, this portion is here synchronous reactance ki jagah par, yahan par direct axis reactance aa gaya hai aur koi zyada difference nahi hai, theek hai. So this is the power developed due to field excitation. फील्ड एक्साइटेशन की वजह से जो पावर जनरेट हो रहा है यहाँ पर, फील्ड एक्साइटेशन की वजह से ये मशीन में जो पावर जनरेट हो रहा है, दैट पावर इज गिवन बाय दिस टर्म इन दिस इक्वेशन एंड दिस टर्म गिव्स अस द पावर ड्यू टू सेलियंसी ऑफ रोटर. जो सेलियंट पोल रोटर है एक एक्सिस पर, उसके पोल से एक एक्सिस पर एयर गैप ज्यादा है, उसकी वजह से जो रिलक्टेंस पावर जनरेट होता है, इसे हम रिलक्टेंस पावर भी बोल सकते हैं. रिलक्टेंस पावर की टर्म है, ठीक है. नाउ नॉर्मल मशीन में क्या होता है, नॉर्मल मशीन पूरा सिलिंड्रिकल रोटर वाला होता है. नॉर्मल मशीन मतलब सिलिंड्रिकल टाइप रोटर वाला मशीन या तो अल्टरनेटर. सिलिंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर में क्या होता है, एक्स डी और एक्स क्यू सेम होते हैं, ठीक है. सेलियंट पोल में एक्स डी और एक्स क्यू सेम नहीं होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है. तो इसी इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, इफ सिलिंड्रिकल रोटर, इफ इट इज अ सिलिंड्रिकल रोटर मशीन, देन एक्स डी इज इक्वल टू एक्स क्यू. अब उस केस में क्या होगा, इन दैट केस इफ एक्स डी एंड एक्स क्यू आर सेम, देन दिस टर्म, इन दिस केस दिस टर्म विल बी जीरो. Okay, and then power will be equal to P is equal to E0 V sine delta upon X. क्योंकि X D X Q पूरा X ही है, okay? तो ये term same इसके जैसा ही हो गया, ठीक है. So पहले हमने जो derive किया था cylindrical rotor alternator के लिए phasor diagram से जो power का equation, वही equation हमें यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है. और ये equation salient pole रोटर वाले अल्टरनेटर का पावर का इक्वेशन है. ये रिलक्टेंस पावर की टर्म है और ये फील्ड एक्साइटेशन से जनरेट हुए पावर की टर्म है. अब यहां पर एक चीज नोट करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जरूरी है. इफ डेल्टा इज पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव का क्या मतलब है, टर्मिनल वोल्टेज से ई जीरो लीडिंग है, या तो ऐसा बोलेंगे कि नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ से टर्मिनल वोल्टेज लैगिंग है, ठीक है. दिस मींस वी लैग्स ई जीरो, वी ई जीरो से पीछे है. यहां पर करंट की लैगिंग और लीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लोड लैगिंग या लीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं. टर्मिनल वोल्टेज अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ से लैगिंग है तब हम डेल्टा को पॉजिटिव कहते हैं. उस केस में हमारा सिंक्रोनस मशीन है वो जनरेटर की तरह ऑपरेट करेगा, ठीक है. ऑपरेट्स एज जनरेटर, या तो हम बोलेंगे उसको अल्टरनेटर, ठीक है. बट इफ डेल्टा इज नेगेटिव,
मतलब कि v लीड कर रहा है e0 को, मतलब ये फेजर डायग्राम अलग हो जाएगा, यहां पर e0 होगा और v होगा, और फिर v से करंट लैगिंग या लीडिंग हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में डेल्टा हम नेगेटिव बोलेंगे क्योंकि v लीड कर रहा है, तो इस केस में ये मोटर की तरह ऑपरेट करेगा, सिंक्रोनस मशीन, और उसको हम सिंक्रोनस मोटर बोलेंगे, सिंक्रोनस मोटर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है, ठीक है। और उस मोटरिंग केस में इसको हम बैक ईएमएफ की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, यू कैन एज्यूम इट लाइक एज इफ इट इज अ बैक ईएमएफ एज इन केस ऑफ अ डीसी मशीन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेलियंट पोल सिंक्रोनस मशीन एंड दिस एंटायर सेपरेशन ऑफ रिएक्टेंस इंटू टू रिएक्टेंस, डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस इज नोन एज टू रिएक्शन थ्योरी, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर द कंस्ट्रक्शन, द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम एंड रिमेंबर दैट विच रिएक्टेंस इज लार्ज, डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस इज मोर देन क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस एंड द फेजर डायग्राम फॉर द सेम, ओके। यू नीड टू रिमेंबर दिस फेजर डायग्राम एंड द डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ पावर फॉर अ सेलियंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर, ओके। एंड अगेन रिमेंबर दिस इक्वेशन ऑफ पावर वी विल बी यूजिंग इन फर्दर कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।